यूपी के ललितपुर में एसपी के निर्देशन पर तालबेहड़ थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने ललितपुर झांसी हाईवे पर बमहोरी सर गांव के पास चेकिंग लगाई, जहां पुलिस ने एक वाहन से लगभग 1 क्विंटल 6 किलो अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं, जो झांसी में गांजा बेचने जा रहे थे, जिनके मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। कल 30 तारीख को पुलिस को सूचना मिली थी, कुछ लोग जो है लोडर सब्जियों के आड़ में गांजे की जगह सप्लाई कर रहे थे। सूचना के आधार पर तालबेहड़ पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है। कुल 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। 1 क्विंटल 600 ग्राम गांजा जो है अवैध रूप का वो बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित जो बाजार की कीमत है वो करीब 10 लाख रुपए की है। अनुमानित कीमत है इसकी, इसमें रिकवरी हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा जो लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे पूछताछ का काम जारी है। कल